नहीं है बस अब माने बन के गाना यू ही रखे बंद कर दी गए मोटर कणपरा कन्या पाठशाला में 51 मीटर हाइट का फ्लैग अभी ध्वजारोहण के लिए ऊपर चढ़ाया जा रहा है। जिस खूबसूरत पल का इंतजार था आखिरकार गाँव और की मेहनत और नौजवानों की मेहनत की वजह से वो मुकाम आज हासिल हो रहा है अपनी पूरी भादरा तहसील को। और ये बड़े गर्व की बात है कि जिस तिरंगे झंडे के लिए शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जिंदगी न्योछावर की, उन्हीं के सर पे आज 42 फीट लंबा और 28 फीट चौड़ा फ्लैग, 42x28 फीट का फ्लैग आसमान में लहराने वाला है। अभी शुरुआत है, छत के ऊपर ही पहुंचा, इसे 4 गुना ज्यादा ऊपर है पोल। पूरा लाइव बैठने की तमाम तैयारियां पूरी। शंकर है धीरे धीरे फ्लैग अपने आसमान की ओर ऊपर जाता हुआ, लगभग 20-25 मिनट लगेंगे ऊपर जाते हुए।
जाने जा रवि रवि आवाज फुल करा दे बैंक यार, मैं कन्ने खड़े हो रहा, फुल करा पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड ऊपर झंडा ऊपर जा रहा है, तब तक मैं पूरे ग्राउंड की तस्वीर दिखा देता हूँ आपको। पूरे गांव में नौजवानों ने हर जगह तिरंगे झंडे के साथ स्वागत किया है। ये फ्लैग तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, जिसमें तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। हाँ कोई नहीं, लेट हो जाए नहीं, अब थोड़ी सी विनोद के चेहरे पर न्यू उन्होंने कहा आप तो आगे रोक रहा था हैं विनोद, न्यू बावड़ो नहीं हो रही हो विनोद जी, कितने यहाँ जाओ, यहाँ कितना समय लगेगा? एक घंटा चलने चलने में लगेगा। अच्छा एक घंटा से 50 मिनट लगेगा। अच्छा
अच्छा अभी इतना लंबा तो लाइव नहीं चला पाऊंगा मैं, फ्लैग को ऊपर जाने में 50 मिनट लगेंगे। इतने में मेरे फोन बहुत मिस कर रहा हूँ मैं अभी, आज का प्रोग्राम है तो 50 मिनट लगेंगे फ्लैग को अपने गंतव्य जगह पर जाने में। अभी ध्वज अपने परवान पर है, इससे इतना ऊपर हो रहा है बाकी। तुरते दो सीढ़ियां पार किए, चार सीढ़ियां बाकी हैं इसकी। साथियों मैं अभी आपको मेरे ग्राउंड के और वो तैयारियां दिखा देता हूँ, गांव में कितना जोश और जुनून है। लगातार दिन और रात लग करके ये मुकाम हासिल किया है, असंभव हो गया था झंडा आज के दिन फहराना हमारे लिए, लेकिन एक जोरदार मुहिम के साथ, जोरदार टीम के साथ और जोरदार मैनेजमेंट के साथ हमने ये ठाना था कि 24 तारीख को हम हरा रात में तिरंगा अपने गांव की जमीन पर लहराएंगे और ये सपना जो देखा था कभी आज वो सपना पूरा होता हुआ। इसी तौर से हर भारतीय के लिए यह गर्व का पल है जब वो हिंदुस्तान के अपने देश के फ्लैग को अपने गांव में लहराता हुआ देखे। मैं शब्दों में बयान नहीं, मेरे गले ने जवाब दे दिया है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है सैनिटाइजर और मास्क आने वाले प्रत्येक मेहमान को वितरित किया जाएगा, मास्क और सैनिटाइजर। ये फ्लैग्स लगाए गए हैं, ये तिरंगे झंडे हर जगह आपको जहां ऐसा खूबसूरत नजारा जिंदगी में कभी देखा नहीं। बहुत जोरदार लोकेशन के साथ अभी फ्लैग की साइड पे गए, इतना बाकी और है, मतलब चौथाई हिस्से पर पहुंच गया अभी। धन्यवाद सभी साथियों का,
आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने कन्या पाठशाला के इस ग्राउंड में पहुँचे। ये वो तीन आदमी आ रहे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ग्रेनाइट और यहाँ इस झंडा लगने वाली जगह को पूर्ण रूप से तैयार किया है। आज स्पेशली छुट्टी मार के प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और छोटे एक एक आदमी ने अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। सोच भी नहीं सकता किसी आदमी को ये नहीं कहना पड़ा कि आप ये करो। उधर ट्रैक्टर चल रहा है पानी डालने के लिए, सारी चीज़ें एकदम तैयारी के साथ। तो तमाम साथियों आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी कन्या पाठशाला में पहुँचें। अभी ध्वजारोहण होना बाकी है, अभी ऊपर चढ़ा रहे हैं, सिर्फ गेस्ट आने के बाद हम ध्वजारोहण करें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सैयद आजम भगत सिंह अमर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कणपरा पहुँचें।